नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र और आप लोगों का अलाहाबाद एमएनएनआईटी दो जगह पर आईटी वाले बच्चों को नौकरी का फॉर्म फिल करने का मौका दिया है। आप में से बहुत बड़ी संख्या में बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आप लोगों को इस डिपार्टमेंट का सिलेबस बता दूं। बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर जी हम इस डिपार्टमेंट का फॉर्म तो फिल कर दें सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्म को फिल करने में, लेकिन हमें सिलेबस पता नहीं चल पा रहा है। जो आईटीआई की नौकरी है उसका सिलेबस क्या होगा, डिपार्टमेंट हमें किस बेस पे जो है हायर करता है। आप यह वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पूरा ज्ञान हो जाएगा और तैयारी में आप लोग जो है अच्छे तरीके से अपना 100% दे पाओगे। तो देरी ना करते हुए मैं सीधा स्क्रीन पर चलता हूँ और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाता हूँ। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ दो जगह पर वैकेंसी है, एक तो एमएनएनआईटी और एक आप लोगों का एनआईटी जो है कुरुक्षेत्र। उसमें आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देख ही लिया होगा, दोनों वीडियोस के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में कुछ बुक भी दे दूंगा जो आप लोगों के एग्जाम में मदद करेगी। बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। स्टेज वाइज जो है इसका क्राइटेरिया होता है डिपार्टमेंट का। सबसे पहले तो आप लोग ये समझे, यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है आईटीआई लेवल का, मैं आपको सिर्फ आईटीआई बेस का ही क्लियर करवाऊंगा। जो अन्य है, जो अन्य कैटेगरीज हैं, उनके बारे में मैंने डिटेल्स नहीं गैदर की है। आप बाकी जो है किसी और चैनल पे या फिर जो है सेल्फ देख लेना कि उसका क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहले स्टेज वन, इसमें आप लोगों का सीबीटी होता है जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। जब आप ये क्लियर करते हैं तो आप स्किल टेस्ट के लिए जाते हैं। उसके बाद आप लोगों का सेकेंड स्टेज पे स्किल टेस्ट होता है। अभी इनको मैं अच्छे तरीके से जो है आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप थर्ड स्टेज पे नहीं पहुंच पाओगे। थर्ड स्टेज में आप लोगों का सीबीटी होता है जो एमसीक्यू बेस्ड होता है, जो इसी की तरीके का होता है। फिर भी मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से ये चीज गाइड कर दूंगा। थर्ड में जाने का मौका उन्हीं को मिलेगा जो बच्चे अपना जो है ट्रेड टेस्ट क्लियर करेंगे। फर्स्ट से सेकेंड में जाने का मौका उन्हीं को मिलेगा जो अपना ट्रेड टेस्ट क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। सबसे पहले स्टेज वन में आप लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। स्टेज वन जो आप लोगों का एमसीक्यू बेस्ड होगा और ये सीबीटी बेस्ड होगा, आप लोगों का ऑफलाइन पेपर नहीं लेता है एनआईटी। इसमें आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट जो आप लोगों का 90 मिनट का आप लोगों को दिया जाएगा, जिसमें 75 आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहां पर सेकेंड पॉइंट देखिए, ईच करेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड 1 मार्क एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/4, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आप लोगों का 1 नंबर कट जाएगा। अगर 1 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 नंबर आप लोगों का डिपार्टमेंट डिडक्ट कर लेगा। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें है। इसमें अगर मैं सीबीटी वन की बात करूं तो सीबीटी वन आप लोगों का जो है कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड करता है इसे हम आप लोगों को बता देते हैं। यहां पर आप लोगों का जर्नल इंग्लिश आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आप लोगों को आता है। इस पर मैं आप लोगों को चिंता मत कीजिए, एक हमारे अंकित जी हैं जो यूपी से है, वो इस पे जनरेट कर रहे हैं चीजें, क्लासेस जनरेट कर रहे हैं। इसकी क्लासेस एज सून एज पॉसिबल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जिसे आप लोगों को हमेशा स्ट्रॉन्ग करके चलना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जीके और आप लोगों का जो जनरल अवेयरनेस है वो डेफिनेटली आप लोगों को मैक्सिमम एग्जाम्स में काम आती है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइक एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली एक्सेट्रा इन डे टू डे ऑफिस वर्क, नॉर्मल चीजें, बेसिक चीजें इस टॉपिक से आप लोगों की पूछ ली जाती है। उसके बाद यहाँ पर इंटरनेट, ईमेल एंड वेरियस ऑनलाइन टूल्स यूज इन डे टू डे ऑफिस वर्क, ये चीजें आप लोगों से पूछी जाती है। यहाँ पर लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता दूं, 5 टाइम जितनी वैकेंसी है उसका 5 गुना जो है बच्चों को बुलाया था। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 वैकेंसी है, एग्जाम्पल के ले रहा हूं, तो यहाँ पर नेक्स्ट टेस्ट के लिए यहाँ पर 500 बच्चों को बुलाया गया था। उसके बाद यहाँ पर इतने बच्चों को ये लोग जो है रख लेते हैं, तो ये इनका क्राइटेरिया होता है। और यहाँ पर जो है आप लोगों को नेक्स्ट स्टेज में बताता हूं जो आप लोगों को और क्लैरिफाई कर देगी। जब आप अपना पहला पड़ाव पार कर लेंगे तो आप लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में आप लोगों का ये 45 मिनट ड्यूरेशन का होता है, ये डिपार्टमेंट इतना ही समय देता है, क्योंकि डीआरडीओ में 1 से 2 घंटे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, लेकिन इसमें आपको इतना ही समय मिलेगा। यहाँ पर ओनली दोज हु आर स्क्रीन इन आफ्टर द स्क्रीनिंग टेस्ट स्टेज वन, जो पहला पड़ाव पार करेंगे उसी को स्टेज जो ट्रेड टेस्ट है उसमें आने का मौका मिलेगा। थर्ड, स्किल टेस्ट विल बी
स्पेसिफिक टू द डिपार्टमेंट, मतलब जो आपका डिसिप्लिन है, जो आपकी ट्रेड है, उसी के बेस पे आप लोगों का स्किल टेस्ट होता है। और स्किल टेस्ट मोस्टली कॉमन ही होते हैं, जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, या कोई भी डिपार्टमेंट जो आपका प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट करवाता है, मोस्टली चीजें आप लोगों को सेम ही देखने को मिलेगी। उसके बाद सिलेबस, यहाँ पर डोमेन, प्रैक्टिकल नॉलेज इन द रिलेवेंट एरिया स्पेसिफिक टू द पोस्ट रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट सेक्शन अप्लाइड फॉर फ्रॉम द ट्रेड, मतलब जिससे अप्लाई कर रहे हैं उसी बेस पे आप लोगों का यहाँ पर प्रैक्टिकल यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड स्टेज की, जब आप लोग सेकंड क्लियर कर लेंगे, सेकंड क्लियर नहीं करोगे तो आप लोग थर्ड में नहीं पहुंच पाओगे। थर्ड आप लोगों की क्वालिफाइंग नेचर की है इस चीज का, आप लोग सेकंड आप लोगों की क्वालिफाइंग नेचर की है और थर्ड आप लोगों को जो है आप लोगों की मेरिट बना के देगी। तो ये थर्ड है आप लोगों के सामने, इसमें आप लोग देख सकते हैं मेन टेस्ट जो होगा वो ये थर्ड होगा जो 2 घंटे की ड्यूरेशन का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। इसमें अगर मैं बात करूं तो ओनली दोज हु आर स्क्रीन इन आफ्टर द स्क्रीनिंग टेस्ट 1 एंड क्वालिफाई द स्किल टेस्ट स्टेज 2 विल बी अलाउड टू अपियर इन द मल्टीपल चॉइस टेस्ट, यानी मेन टेस्ट में आपको तभी बैठने का मौका मिलेगा जब पीछे के दोनों आप लोग जो है सेक्शन क्लियर करके आएंगे। थर्ड ईच करेक्ट आंसर, इसमें भी आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, और हर आंसर ठीक होने पे आप लोगों को 1 नंबर दिया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो जनरल साइंस, जिसमें आप लोगों का सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल एंड क्वेश्चन ऑन डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंसेज, अदर या स्पेसिफिक टू द डिपार्टमेंट सेक्शंस एंड एज पर द क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट, यानी जिस ट्रेड से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसी के बेस पे आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आप लोगों को ऊपर के टॉपिक मैंने बता दिया। यहाँ पर एक चीज और पढ़ो, फाइनल सेक्शन, फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड एज पर दी कैंडिडेट मार्क इन स्टेज 3, यानी अगर आप थर्ड टेस्ट देखेंगे और उसे देंगे उसके बाद ही जो आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो इसी के बेस पे बनेगी। आशा करता हूं कि आप लोगों को एनआईटी का सिलेबस का क्राइटेरिया पता चल गया होगा। मेरे पास जितनी नॉलेज थी, जितनी मैं गैदर कर पाया अपनी साइड से, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा एनआईटी को लेकर अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है, कमेंट बॉक्स आप लोगों के सामने ओपन है, आप जाकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर मुझे लगा सवाल रिलीवेंट है, डेफिनेटली आप लोगों को उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। बाकी आप सवाल जरूर मेंशन करना। कुछ बुक्स आपको मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी ले सकते हैं, बट कोशिश करना अमेजोन फ्लिपकार्ट पे पुराना वर्जन आपको ना थमा दे कोई, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल है वो सारे के सारे न्यू वर्जन है, जैसे 2022-2023 इस टाइम पीरियड की बनी हुई बुक्स है। बाकी इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। बाकी आशा करता हूँ आप लोग चैनल से जुड़े हुए हैं और जुड़ के जो है आने वाले नोटिफिकेशंस को समय समय पर प्राप्त कर रहे हैं, और आगे चल के पूरी कोशिश कर रहे हैं कि और भी चीजों का अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए अरेंजमेंट कर पाए। धन्यवाद।